चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि भोपाल से ही मिल रही है, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवक्ताओं की लंबी सूची जारी की है। राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश में बनाए गए हैं युवक कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 9 युवाओं को चुना गया है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी की प्रवक्ताओं की सूची, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश में बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश के 9 युवाओं को इस दौरान यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश में बनाए गए हैं यूथ विंग। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवक्ताओं की लंबी सूची जारी की है। राष्ट्रीय स्तर प्रदेश में बनाए गए यूथ विंग के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से 9 युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी यहां दी गई है। अब आगे किस तरह से यहां पर कामकाज किया जाएगा उसको लेकर भी रूपरेखा यहां तैयार की जा सकती है। फिलहाल एक लंबी सूची प्रवक्ताओं की यहां जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 युवाओं को अहम और काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां दी गई है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे थे। और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लंबी सूची प्रवक्ताओं की जारी की है और ये आपको सूची की फोटो दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम नाम लिखे गए हैं। ऑनलाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी जुड़ गए हैं। और गणेश पांडे जी, प्रवक्ताओं की यहां पर लंबी सूची जारी हुई है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मध्य प्रदेश के 9 लोग हैं जिनको जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है, वो कौन कौन है, क्या उसमें कोई ऐसा नाम जिसको लगातार यहां पर सुना गया हो? जितने भी लोगों को शामिल किया गया है वो सारे लोग नए हैं जी। और ये पहली बार जो है प्रवक्ता बनाया गया है कमलनाथ और राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मेंबर को और जो है जो प्रवक्ता बेहतर प्रवक्ता हैं उनको ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मध्य प्रदेश में जो है जिन नए लड़कों की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने आप में बहुत मुखर वक्ता हैं और सोशल मीडिया और प्रिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो एक्टिव दिखाई देंगे। जी ऋतु बिल्कुल सर, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई देंगे, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस की देश भर में जो भी स्थिति है उससे कोई अछूता नहीं है। और अब ऐसे में नए लोगों की यहाँ पर भर्ती की गई, उनको उस तरह की विचारधारा सिखाई जाएगी और तमाम तरह की जो रूपरेखा है वो समझाई जाएगी, तो कितना चुनौती भरा ये होगा या नई कांग्रेस उभर कर आएगी ऐसा समझा जाए? चुनौती देखिए, प्रवक्ताओं का काम चुनौती भरा तो है, क्योंकि बीजेपी उनका जो प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेहतर काम कर रही है और कांग्रेस को हर मुद्दे पे जो है कांग्रेस उनको घेर नहीं पा रही। इन प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बीजेपी के खिलाफ जो है माहौल पैदा करना, बीजेपी के खिलाफ अपने बयान देना, कांग्रेस की रीति नीति को आम जनता तक पहुँचाना। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो प्रवक्ताएं हैं ये कितनी बेहतर तरीके से वो अच्छी प्रस्तुति के साथ अपनी बात और कांग्रेस की बात जनता तक पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया पे बीजेपी का काउंटर करने में कितने सफल होते हैं। जी ऋतु बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे भोपाल से, जो हाई हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लंबी सूची प्रवक्ताओं की जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 नए युवाओं को जगह यहां दी गई है, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब आगे किस तरह से यहां पर चुनौती रहेगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी या कैसी यहां पर रणनीति होगी या कांग्रेस अब नहीं उभर कर आएगी, वो देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं।